This is video solution of general awareness portion of full test number 9 presented by A.K. Singh. तो यहाँ क्वेश्चन है, which one of the following cricketers has been awarded the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2007? यानी वर्ष 2007 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस क्रिकेटर को दिया गया? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, MS धोनी. Who invented the polio vaccine oral? यानी पोलियो की मौखिक खुराक का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर 2, अल्बर्ट सेबिन इसका सही जवाब है. The expenses on advertising is called. विज्ञापन पर किया गया वह कहलाता है. ऑप्शन नंबर 4, सेलिंग कॉस्ट यानी बिक्री लागत. Which of the following is the most important domestic source of plant finance? प्लान वित्त या योजनागत वित्त अर्थ का सबसे महत्वपूर्ण घरेलू स्रोत कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, डोमेस्टिक प्राइवेट सेविंग या घरेलू व्यक्तिगत बचत. विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी गोज अप? जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ती है तो निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीजेस यानी पूंजी पर प्रतिलाभ बढ़ता है. यह वाक्य सत्य नहीं है. और बाकी तीन ऑप्शन आप देख सकते हैं उसके फेवर में, जो ये सेंटेंस दिया गया है उसके फेवर में आप ऑप्शन नंबर 1 से 3 आप याद रख सकते हैं. नीप टाइड्स आर उच्च ज्वार भाटा क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2, वीक यानी शक्तिहीन इसका सही जवाब, यानी नीप टाइड्स आर वीक. रिंग ऑफ फायर इज फाउंड कॉमनली इन ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यता कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पैसिफिक ओशन. रिंग ऑफ फायर ये इंडोनेशिया के आसपास का जो एरिया है उसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, क्योंकि इस धरती पर सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी हैं वो वहीं पर स्थित है, और इस ज्वालामुखी के कारण सबसे ज़्यादा भूकंप भी उसी जगह पे आते हैं, और यह जगह प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन में स्थित है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम? तो ऑप्शन नंबर 4, नेबुले सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, जबकि एस्टेरॉयड कॉमेट और प्लैनेट सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं. ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है. हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम? तो हम सभी जानते हैं कि मनसबदारी सिस्टम अकबर के द्वारा शुरू किया गया, और ये 1571 में शुरू किया गया. बाणभट्ट किसके या बाणभट्ट किस सम्राट के दरबार में कवि थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हर्षवर्धन. और बाणभट्ट ने फेमस जो बुक या नॉवल लिखे हैं वो है हर्षचरित्र और कादंबरी. अफीम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया या द ओपियम वॉर्स वर फॉट बिटवीन? ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन एंड चाइना, यानी अफीम युद्ध ब्रिटेन और चाइना के बीच में लड़ा गया. मुगल सम्राट में मीर बख्शी किसका प्रमुख था? यानी द मीर बख्शी ऑफ द मुगल एम्परर्स वॉज द हेड ऑफ, तो ही वॉज द हेड ऑफ आर्मी ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. और बाकी ऑप्शन की हम बात करें तो इंटेलिजेंस का प्रमुख होता था बरीद, फॉरेन अफेयर का प्रमुख होता था रसालत मुहातिस्ब, और फाइनेंस का प्रमुख होता था वजीर. ये भी आप याद रखिए, कभी भी पूछे जा सकते हैं. हु वॉज द पायनियर ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का अग्रणी कौन था? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अवेंद्रनाथ टैगोर. हु डिसाइड अ बिल इज अ मनी बिल? कौन निर्धारित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा अध्यक्ष का डिसीजन फाइनल होता है कि फला विधेयक मनी बिल है या नहीं. तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है. विच इज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? भारत में राजनीतिक सत्ता का स्रोत कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, वी द पीपल यानी हम लोग.
और जो हमारा प्रियम्बल है यानी संविधान की जो प्रस्तावना है वो वी द पीपल से ही स्टार्ट है। इसका मतलब है कि भारत के लोग ही भारत की सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर है, यानी कि जो संविधान की जो शक्ति है वो यहाँ के लोगों के अंदर ही है, यानी वी द पीपल हम लोग। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर दो अपॉइंटेड, यानी भारत के प्रधानमंत्री अपॉइंटेड या नियुक्त होते हैं। रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर चार, इंफ्रारेड रे। यानी रिमोट सेंसिंग उपकरण के अंतर्गत इंफ्रारेड रे का उपयोग होता है या उनका इनबिल्ट सोर्स होता है। द डैमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू रेडिएशन, एक्स रेज और गामा रेज इज अ मेजर्ड इन, यानी मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, रैम्स में। इन मैन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज, यानी पुरुषों में सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो यह संख्या होती है 46, या इसको हम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही जवाब है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो डिस्टेंस को प्रकाश, यानी एक लाइट एक वर्ष में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही जवाब है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ बैट इज, यानी चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि है। ऑप्शन नंबर तीन, इंफ्रासोनिक। आफ्टर प्रॉम इज प्रोग्राम्ड वी कैन ओनली डैश द इंफॉर्मेशन, यानी प्रोम का प्रोग्राम किए जाने के बाद हम सूचना को केवल ऑप्शन नंबर एक रीड या पढ़ सकते हैं। प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक रीड ओनली मेमोरी होती है दैट कैन बी मॉडिफाइड वंस बाय द यूजर। वॉट आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड, वह आधारभूत इकाई क्या है जिससे मानव शरीर के पुर्जे निर्मित किए जा सकते हैं। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, स्टेम सेल। और ऑप्शन नंबर एक की बात करें, नर्व सेल, तो नर्व सेल या तंत्रिक कोशिकाएं ये ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं और इसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। MRI स्टैंड फॉर, यहाँ MRI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो वो MRI होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये रेमंड डेमेडियन के द्वारा इन्वेंट की गई, सो ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, निम्न में से कौन से देश यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, नॉर्वे। और यूरोपियन यूनियन में टोटल 28 देश हैं, और आजकल आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जिसको ब्रेग्जिट का नाम दिया जा रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब है नॉर्वे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।